हम विनर प्रकाश है, गोल्डन तामुआ में रहता है, और सबको रेडियो फिजी 2 सुने, सबको लाइक करे रेडियो फिजी 2 देश। नमस्कार फिजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं कृतिका कुमार। फिजी मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज का कहना है कि सप्ताह मौसम और खराब हो जाएगा। एक्टिंग डायरेक्टर तेरिया तलीफो का कहना है कि सिस्टम कल तक कैटेगरी 1 साइक्लोन में परिवर्तित हो जाएगा और वे कल सिस्टम को नेम कर देंगे। तलीफो ने इस बात को दोहराया है कि स्थिति और बिगड़ सकती है। उनका कहना है कि उन्होंने रेनफॉल में वृद्धि देखी है। प्राइम मिनिस्टर वरेंगे बेनीमरामा फिजियंस से मांग कर रहे हैं कि वे सावधान रहे। बेनीमरामा ने कहा है कि फिजियंस को तैयारियां करना शुरू कर देना चाहिए। उनका कहना है कि लोगों को सुरक्षित रहने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने फिजियंस से मांग की है कि वे बाढ़ चढ़े नदी नालों से दूर रहे। उन्होंने कहा है कि अथॉरिटीज ने तैयारियां शुरू कर दी है। नॉर्दर्न डिवीजन में लेप्टोस्पायरोसिस, टाइफॉइड, डेंगी और डायरिया के 20 केसेस हो गए हैं। एनडीएमओ डायरेक्टर वासिती सोको का कहना है कि स्टेक होल्डर्स के साथ एक इमरजेंसी कमेटी मीटिंग के दौरान इस बात को आम किया गया है। फिलहाल एनडीएमओ निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से मांग कर रहे हैं कि वे इवैक्यूएशन सेंटर्स में चले जाएं। हेल्थ मिनिस्टर डॉ इफ्रेमी वंगई नम्बेते का कहना है कि एलटीडीडी के मामलों में हो रही वृद्धि चिंता का विषय है। और खेलकूद के खबरों में फिजी फुटबॉल एसोसिएशन उम्मीद करते हैं कि वे फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग टूर्नामेंट को होस्ट करेंगे। सारे चुनौतियों के बावजूद फिजी एफए कॉन्फिडेंट है कि फिजी सारे रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकती है। बिट के सक्सेसफुल होने से इकॉनमी पर भी अच्छा असर पड़ेगा। प्री सीजन ट्रांसफर विंडो रविवार को खत्म होगा और अभी तक सिर्फ 4 प्लेयर्स को ऑफिशियली रिलीज किया गया है। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन खबरों के लिए आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची एफएम भी सुन सकते हैं। शुभरात्रि। कुमार सानी नायक है बोमवा लिबू लटो का। रेडियो फिजी 2 में पुराना गाना लगे, हमें बहुत अच्छा लगे। रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन।